आज आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व लेके आए हैं, जिसके बारे में 10 क्वेश्चन है और आपको फटाफट से अपना इनका रिवीजन कर लेना है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट वीडियो के तौर पर उत्तराखंड से संबंधित ये कार्य चलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी आपको मिलते रहे। पहला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक चार ऑप्शन है, मुकंदीलाल, पातीराम, मोलाराम और इनमें से कोई नहीं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक बैरिस्टर मुकंदीलाल थे। दूसरा प्रश्न है, गढ़ केसी के नाम से किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को गढ़ केसी के नाम से जाना जाता है ये बताना है। गुमानी पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी, बद्रीदत्त पांडे, सभी स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध रहे हैं, उत्तराखंड में अमूल्य योगदान है इनका। इसका सही उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तीसरा प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जो है जिया रानी को कहा जाता है और ये कत्यूरी शासक की महारानी थी और इन्होंने भी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और इन्होंने भी हथियार उठा लिए थे एक युद्ध में। उसके बाद है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी हरिप्रसाद टमटा है ऑप्शन में, गोविंद बल्लभ पंत, इंद्रमणि बडोनी। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारत ही नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? देखो, पहली महिला मेजर जनरल भारत ही नहीं विश्व की कौन थी? तो कुमारी माया टमटा थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो बार पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है उत्तराखंड से? तो लीलाधर जगुड़ी, वीरेन डंगवाल, सुमित्रानंदन पंत और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है समुदाय की परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, कुरुमांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, ये प्रिंट है हरगोविंद आएगा, गोविंद बल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी या कुरुमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? हरिद्वार समाचार, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश। तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा अखबार से है, जो कुमाऊं का प्रसिद्ध फेमस अखबार रहा, जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी है? वैली ऑफ फ्लावर चमोली में पढ़ती है, इसके बारे में पूछ लिया था कहाँ पढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंक्स पे जो ध्यान दिया था वो एस स्मिथ ने दिया था, फ्रैंक स्मिथ आता है, फ्रैंक एस स्मिथ आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक एस स्मिथ। एडम स्मिथ देखकर कई बार कंफ्यूजन होता जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर है फ्रैंक एस स्मिथ। आज के लिए इतना ही, कल